राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2 दिन चलेगी। जगन्नाथ मंदिर का पंचांग बनाने वाले ज्योतिषी का कहना है कि इस साल आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में तिथियां घट गई, जिसके चलते रथ यात्रा से पहले होने वाली पूजा परंपराएं 7 जुलाई की शाम तक चलेगी। रथ यात्रा की तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सुबह शुरू होने वाली रथ यात्रा शाम को शुरू होगी। इससे पहले 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। ज्योतिषी डॉक्टर ज्योति प्रसाद का कहना है 7 जुलाई को दिन भर पूजा परंपराएं चलेगी और शाम को 4 बजे के आसपास रथ यात्रा शुरू होने की संभावना है। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं हाके जाते, इसलिए रथ रास्ते में ही रोक दिए जाएंगे। 8 को सुबह जल्दी रथ चलाना शुरू होंगे और इसी दिन गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। हर साल जेठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। 16वें दिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और नव यौवन के दर्शन होते हैं। इस बार तिथियों की गड़बड़ी के चलते ये पखवाड़ा 15 की बजाय 13 दिन का ही रहा। इसी कारण भगवान के ठीक होने का दिन रथ यात्रा वाली तिथि को पड़ रहा है। अब 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ के नव यौवन श्रृंगार के दर्शन होंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।